हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मोटर का जो पेपर का साइज़ होता है, स्लॉट पेपर साइज कैसे निकालते हैं। तो छोटा सा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जब मोटर को रिवाइंड कर रहे होते हैं तो इसमें स्लॉट होते हैं मोटर में। जैसे ये हमारे पास एक कूलर की मोटर है एग्जस्ट की, तो इसमें 24 स्लॉट हैं, तो इसमें हमें 24 पेपर लगाने होंगे। तो जो नए नए भाई हैं उनके लिए वीडियो है, जो काम सीख रहे हैं अभी, तो हमारे पास पेपर होना चाहिए। तो पेपर कई तरह के होते हैं, तो जैसे कि हम इसमें ग्रीन पेपर भी लगा सकते हैं और हम ये वाला प्लास्टिक वाला पेपर भी, वाइट पेपर भी हम लगा सकते हैं। इसको फिल्म पेपर बोलते हैं, इसको ग्रीन पेपर बोलते हैं, इसको फिल्म पेपर पीवीसी शीट बोलते हैं। तो इनमें से हम कोई एक पेपर ले लेंगे जो हम लगाना चाहें, और ये नंबर से आता है, यानी कि जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा मोटा पेपर रहेगा। तो मेरे पास जो ये पेपर है 7 नंबर है, और ये जो वाइट पेपर है 10 नंबर है। तो इस मोटर में आप स्लॉट देख करके उसी हिसाब से पेपर चूज कर सकते हैं। ज़्यादा गहरे स्लॉट हैं कि तार आराम से आ सकते हैं, उसमें तो आप मोटा पेपर लगा सकते हैं, लेकिन जिसमें जगह कम है उसमें आप पतला पेपर लगा दें। जैसे कि पतला पेपर लगाना तो आप 7 नंबर लगा सकते हैं, मोटा लगाना मेरे पास 10 है तो इसको 10 लगाते हैं। ये पेपर भी अलग अलग नंबरों में आता है, 7, 10, 5, ऐसे ये भी आता है। तो हम ये प्लास्टिक वाला यूज करने वाले हैं। तो चलिए कॉइल साइज आपको, सॉरी स्लॉट पेपर साइज आपको निकालना बताएंगे। तो हम इस पेपर का यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको एक टुकड़ा ले लेना है इस पेपर का। जैसे कि हम इस तरह से इसको काट के एक टुकड़ा ले लेते हैं। अब इसको हम क्या करना है, ये जो स्लॉट है इसके अंदर, इसमें ऐसे या ऐसे इसमें डाल के देखना है। तो हम इसमें ऐसे डाल के देखेंगे या इसमें ऐसे डाल के देखेंगे, वो आपकी मर्जी है। तो जैसे ही हम इसमें पेपर डालते हैं तो आप देखिए कि पेपर कितनी ऊपर तक जा रहा है। ये जो ऊपर जा रहा है ये हिस्सा हमको काटना है, इधर से भी और इधर से भी, यानी कि इसको हमको पेपर को ऐसा करना है, काट कर बारीक करना है, ठीक है, सिंपल भाषा में बोले। फिर इसको ऐसे मोड़ना है, ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ना है और फिर से डाल के देखना है। अगर पेपर फिर से ऊपर जा रहा है तो फिर उसको काट देना है। तो इस तरह से देखिए, फिर हम इसको मोड़ कर देखते हैं, फिर से डाल कर देखते हैं, तो भी पेपर अभी ऊपर है तो इसको हम काट लेंगे। ये पेपर ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर ही आना चाहिए। तो अब हम इसको इसमें डाल के देखते हैं, तो देख सकते हैं पेपर इसके अंदर की तरफ आ चुका है अच्छे से। ना तो ज़्यादा छोटा रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि आप ज़्यादा छोटा पेपर काट दो कि इसके अंदर भी जगह बची रहे, तो इसके बिल्कुल टच होके जाना चाहिए ऊपरी हिस्से के। और तो आप देख सकते हैं इसमें फिट बैठ गया है। अब हमने पेपर की जो है ये क्या बोलते हैं, चौड़ाई तो हमने ले ली इसके अंदर की स्लॉट की, अब इसकी लंबाई भी हम देखेंगे। तो इसको हम इसको अंदर डाल देते हैं। देखिए हमारा पेपर जो है इतना लंबा ये बन गया है। अब इसको इधर से भी मोड़ना है और इधर से मोड़ना है, तो पेपर काफ़ी लंबा मेरे को दिख रहा है। तो आप कैसे पता लगाए पेपर लंबा है या छोटा है, तो इस पेपर को आप निकाल लें। अंदर का साइज बन गया, बाहर का साइज बनाना है। बाहर का साइज बनाने के लिए हमको क्या करना है, इस पेपर को बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकालने के बाद उसको एक साइड से मोड़ना है। तो ऐसे उंगलियां रखना है और ऐसे इसको दबाना है। तो इस तरह से दबाने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर लेना, या आप कैंची से प्रेस कर सकते हैं, इसको उल्टा रख के इस पर कैंची से प्रेस कर सकते हैं, ऐसे 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 करके देख सकते हैं। तो प्रेस हो जाने के बाद, तो जो साइड हमने प्रेस करी है ना इसकी, देख सकते हैं हमने इसकी साइड जो प्रेस करी है, ये वाली साइड जो प्रेस करी, तो हमको ऐसे नहीं मोड़ना है इसको, हमको ऐसे मोड़ना है। प्रेस साइड नीचे होनी चाहिए, जो प्रेस की साइड नहीं है वो ऊपर होनी चाहिए, तो ऐसे ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं ऐसे, और इसके अंदर हम स्लॉट में इसको डाल देते हैं। डाल दिया है, और डालने के बाद हम इसको इससे टच कर देते हैं, ऐसे दबा देते हैं। वो दबाने के बाद हमारे पास जो पेपर बचती है वो देख सकते हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इधर पेपर बच रही है। तो हम इसको वापस से निकाल देंगे और हम इसको फालतू पेपर को हम काट देंगे, और फिर इसको फालतू को काट करके इसको ऐसे ही मोड़ देंगे, सेम टू सेम, जैसे एक साइड को मोड़ा वैसे इसको प्रेस हम कर देंगे। तो इस तरह से कर इसमें फिर से डालकर देखेंगे, तो देख सकते हैं कि पेपर इसमें डल गया है, लेकिन अब भी ये देखिए इधर इधर सरक रहा है, यानी कि अब भी इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। ओके,
तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पेपर को दोबारा से निकाल सकते हो और इसका एक साइड का एरिया, ये जो हमने प्रेस किया था, इसको थोड़ा थोड़ा और काट सकते हो खोल कर, थोड़ा थोड़ा, और दोबारा से इसको हम अब प्रेस करेंगे। तो दोबारा से हम इसको क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे और इसको फिर अब ये हमारा पेपर हम इसको डाल देंगे। कोई से भी स्लॉट में डाल लो, सभी सेट स्लॉट जो है सेम होते हैं, देख सकते हैं। तो हमारा पेपर फिट है, इधर से भी फिट है और इधर से फिट है और बीच से फिट है। तो ये हमारा पेपर का साइज निकल गया है। अब मोटर के स्लॉट के हिसाब से आप उसकी गिनती करके उसी हिसाब से आप पेपर काट लीजिए। तो ये पेपर का साइज आपके पास निकल चुका है और ऐसे ही आपको अब 24 पेपर, ये 24वां पेपर है या पहला पेपर मान सकते हैं, तो 23 पेपर और ऐसे ही काट लीजिए और उनको डाल लीजिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा पेपर का साइज निकालना। तो सभी, कोई भी मोटर हो, बड़ी मोटर हो छोटी मोटर हो, सभी में सेम तरीके से पेपर का साइज निकालना है। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के पास, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को दोस्तों के पास, ताकि सबको ये वीडियो मिल सके और सब इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।